हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आप में से काफी सारे लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि हम लोग अथर के टॉयज क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ हम अथर के टॉयज के लिए ही नहीं, उसकी सारी एक्सेसरीज, उसके जो फीडिंग से रिलेटेड सामान है, उसकी बॉटल्स, यूटेंसिल्स और तो और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्लीन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये प्रोडक्ट है लव लैप का लिक्विड क्लेंजर। अब हम सब एज पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों से रिलेटेड जो भी सामान होता है उसको जर्म फ्री और बैक्टीरिया फ्री रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो अभी भी काफ़ी वीक होती है और वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रही होती है। और खास करके करंट टाइम्स में इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें ताकि बच्चों से रिलेटेड जो भी सारा सामान हमारे घर में है वो बैक्टीरिया फ्री रहे, जर्म फ्री रहे, हाइजीनिक रहे और हमारे बच्चे सेफ रहे। इस क्लेंजर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये नॉन टॉक्सिक है और ये फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है, यानी इसके अंदर इस्तेमाल किए गए सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो फूड ग्रेड है एंड हेंस वो 100% सेफ है बच्चों के लिए। टॉयज या खिलौनों को मुंह में डालना बच्चों में काफी कॉमन होता है। इनफैक्ट जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी अथर की एज ग्रुप पे भी बहुत बार अननोइंगली बच्चे काफी टॉयज अपने मुंह में डालते हैं। काफी सारे टॉयज होते हैं जैसे किचन सेट होता है जिसमें बच्चे एक्चुअली प्रॉपर खाना डाल के खाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारे टॉयज को एक जेंटल फिर भी एक इफेक्टिव क्लेंजर से हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें, जिसके लिए लव लैप का ये क्लेंजर एकदम परफेक्ट है। इनफैक्ट बाहर से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं उसको भी आप बहुत इफेक्टिवली इससे क्लीन कर सकते हो। अलॉन्ग विद जर्म्स एंड बैक्टीरिया उसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड्स का बिल्डअप होता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, उसको भी ये बहुत इफेक्टिवली क्लीन करता है। अगर आपके बच्चे बॉटल फेड है और बॉटल्स यूज करते हैं तो बॉटल्स को क्लीन करने के लिए भी एक परफेक्ट सोल्यूशन है, यानी मिल्क का जो भी एडिशनल रेसिड्यूज होता है, खास करके जो क्रिवाइसिस में जम जाता है, उसको क्लीन करने के लिए भी ये काफी इफेक्टिव है। हम लोग अथर की जो वाटर बॉटल्स है, सिपर्स है, स्ट्रॉ कप्स है, उन सारी चीजों को क्लीन करने के लिए भी इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं, खास करके स्ट्रॉ और वो सारे एरिया, उनको क्लीन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल हार्श डिश सोप है जो हम बाकी की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको इसके लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलती से भी अगर वो इसमें रह जाता है तो आपके बच्चों की सिस्टम को काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। अब मैं आप लोगों को क्विकली से बता देती हूँ कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं इस क्लेंजर को। बेसिकली आपको एक नॉर्मल सा स्पॉन्ज, और आई वुड सजेस्ट कि एक अलग स्पॉन्ज रखिए अपने बेबी के टॉयज, यूटेंसिल्स, इन सारी चीजों को क्लीन करने के लिए। तो डायरेक्टली स्पॉन्ज को वेट करके उसके ऊपर आप इस क्लेंजर के कुछ ड्रॉप्स ले सकते हो, और फिर जो भी टॉयज या यूटेंसिल्स को आप क्लीन करना चाहते हो आप अच्छे से उसे क्लीन कीजिए। अगर आप वार्म वाटर से करें तो और भी अच्छा रहेगा। ये हम लोग जब बच्चे छोटे थे तब सारे चीज़ों को स्टरिलाइज कर देते, तो वार्म वाटर एक्चुअली हेल्प्स फर्दर विद दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। और उसके बाद नॉर्मली कुछ सेकंड्स के लिए इसको अच्छे से इस पे रब करके फिर इसको आप रनिंग वाटर के अंडर रिंस कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्लीन करने के लिए हम लोग यूजुअली एक बड़ा सा बोल लेते हैं जिसके अंदर फ्रेश वाटर लेके कुछ ड्रॉप्स इस क्लेंजर के डाल देते हैं, और उसके अंदर फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डाल देते हैं और फिर उनको कुछ सेकंड्स के लिए उसके अंदर रहने देते हैं, और फिर हल्के से रब करके इनको अच्छे से रनिंग वाटर के नीचे रिंस कर लेते हैं एंड दे बिकम एब्सोल्युटली सेफ फॉर कंजम्पशन। अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज के इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या केमिकल्स नहीं है, और इसलिए ये हमारा ट्रस्टेड चॉइस रहा है अथर जब छोटा था तब से लेके अभी के टाइम तक। आप बहुत आसानी से इस क्लेंजर को खरीद सकते हो या तो Amazon से या तो lovelap.com से। मैं दोनों ही लिंक्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी इन केस यू वांट टू परचेज दिस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है। यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।